एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अगर W और U क्यूब में तगयीर रास्त हो, मतलब डायरेक्ट रिलेशन हो, डायरेक्ट वेरिएशन हो, तो W की कीमत 8181 है, U की कीमत 3 है। W मालूम कीजिए जबकि U 5 है। इसमें तीन चीज़ें करनी है, W और U तीन के दरमियान में सबसे पहले तगयीर रास्त होना चाहिए। इसके दरमियान जब बना लिया, फिर आपने K कांस्टेंट लगाना है, फिर आपने ये दोनों कीमतें दर्ज करके K की कीमत निकाल लेनी। उसके बाद हमने क्या करना है कि W की कीमत मालूम करनी है और U की कीमत लगाएंगे, और K की कीमत हम पहले से निकाल चुके होंगे। जैसा कि हमने सवाल में भी देखा था कि W और U तीन के दरमियान में, U थ्री के दरमियान में एक डायरेक्ट रिलेशन था तगयीर रास्त। अब हमने फिर K कांस्टेंट लगा लिया, फिर जबकि W की कीमत 81 और U की कीमत 3 खुद दी गई है, सवाल के अंदर कीमतें दर्ज कर दी हैं। कीमतें दर्ज करने के बाद तीन की पावर जोन सी होती है, ये तीन का क्यूब 27 होता है, 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तकसीम होगा, कट करने के बाद हमारे पास K की कीमत 3 बच गई है। फिर K की कीमत हमने यहाँ पे दर्ज कर देनी है। ये हमारी एक चीज़, आधा हिस्सा सवाल का मुकम्मल हुआ। दूसरे हिस्से में उसने कहा W मालूम कीजिए, U की कीमत 5 है। फिर आपने इसी जोन सी मसावात के अंदर कीमतें दर्ज कर देनी है, U की जगह पे 5 दर्ज कर देना जो उसने सवाल में दिया गया होगा। 5 की 3 125 के बराबर होती है, और 125 को जब 3 से ज़र्ब देंगे, आप कहेंगे आप 3 कहाँ से आए, 3 हमारा K की कीमत है जो हमने मालूम की है। ज़र्ब करने पर 375 आंसर, 375 W की वैल्यू निकली है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है।